स्टूडेंट्स पर्सनल सेफ्टी पर्सनल सेफ्टी के अगर हम लोग कुछ एस्पेक्ट्स देखने की कोशिश करें तो उसमें जिस चीज़ पे फोकस है वो ये है कि अप्लाइंग सेफ्टी एंड हेल्थ इंस्ट्रक्शंस जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी के इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स दुनिया में दिए गए हैं उनमें जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस है वो ये है कि जो इम्प्लाईज़ है वो क्या करेगा कि वन ऑफ दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है कि लर्निंग स्टेट्स दैट पीपल लर्न बाय डूइंग कि लोग सीखते हैं काम करके आपने बहुत अच्छे मैनुअल बनाए हुए हैं बहुत अच्छे ट्रेनिंग मेड्यूल बनाए हुए हैं बहुत अच्छा मटेरियल बनाया हुआ है जब तक आपका एम्प्लाई वो काम हाथ से करेगा नहीं उस वक्त तक वो उसके डिजायर रिजल्ट अचीव नहीं कर सकता अवेल्यूशन सेफ्टी एंड हेल्थ इंस्ट्रक्शन द परपज ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ ट्रेनिंग इज़ टू इम्प्रूव द इंडिविजुअल्स इम्प्लाईज एबिलिटी टू वर्क सेफली एंड टू इम्प्रूव द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द ओवरऑल वर्क एनवायरमेंट डियर स्टूडेंट्स ये एक कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन भी है कम्परीहेंसिव एवेल्युशन प्रोसेस भी है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लाई डिजायर रिजल्ट अचीव कर सके तो उसको देखना ये चाहिए कि आर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी और हेल्थ क्या इन दोनों चीज़ों को अश्योर किया जा रहा है अगर इन दोनों चीज़ों को अश्योर किया जा रहा है तो एम्प्लाइज के रिजल्ट्स बेटर होंगे To determine the training was improved, performance, safety and health. मकसद ट्रेन करना ये नहीं है कि आपने ट्रेनिंग तो दी इम्प्लॉई को लेकिन उन्हें डिज़ायर गोल अचीव नहीं किए ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉ के बिहेवियर में क्या बेहतरी आई क्या प्रोडक्टिविटी इन्हांस हुई परफॉर्मेंस में कितना इजाफा हुआ उस एम्प्लॉ के बिहेवियर में कितनी चेंज आई ये सब आउटकम हैं किसी भी ट्रेनिंग के वाज द ट्रेनिंग प्रोवाइड वैलड डिड द एम्प्लॉज लर्न हैज द लर्निंग मेड अ डिफरेंस जो अभी मैंने चीज़ें आपको डी ये स्टूडेंट्स बताई हैं अगर ये तमाम चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं तो हम कह सकते हैं कि आप अवेल्युएशन प्रोसेस में सक्सेसफुल हैं ट्रेनिंग सुपरवाइजर्स अकॉर्डिंग टू एन एस सी दब्जेक्टिव ऑफ सुपरवाइजर्स सेफ्टी ट्रेनिंग नंबर वन इनवॉल्व सुपरवाइजर इन द कंपनीज एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम वो जो सुपरवाइज़र है वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी का हिस्सा भी हो ऐसा नहीं है कि वो ट्रेन दे के ट्रेनिंग दे के चला गया अगर ऑर्गेनाइजेशन के फिजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट को वो जानता नहीं है तो उसकी ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का फिजिकल एनवायरनमेंट आपस में कंपैटिबल नहीं होंगे और आपकी ट्रेनिंग के डिजायर रिजल्ट्स अचीव नहीं होंगे अस्टैब्लिश द सुपरवाइजर एज द की पर्सन इन द प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सीडेंट्स हैं उनको कम करने में रोकने में प्रिवेंट करने में उस सुपरवाइज़र का हाथ होना चाहिए जो कि ट्रेनिंग दे रहा है जब वो बंदा तमाम चीज़ों से खुद गुजरेगा तो उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा मीनिंगफुल होगी गेट सुपरवाइजर्स टू अंडरस्टैंड दे सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड सुपरवाइजर्स विद द ये वो डिटेल्स हैं जिनका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इन तमाम चीज़ों को वो सुपरवाइजर जानता होगा तो वो आपको बेटर ट्रेन कर सकता है गिव सुपरवाइजर्स एंड अपॉर्चुनिटी टू कंसिडर मोस्ट रिसेंट एक्सीडेंट हुआ में वो किस किस्म का था उससे क्या लॉस हुआ इस चीज का जानना बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प सुपरवाइजर्स कीप देयर ओन डिपार्टमेंट्स सेफ अगर सुपरवाइजर का अपना डिपार्टमेंट सेफ है एग्जाम्पलरी है या आइडियल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑटोमेटिकली लोगों के ऊपर उस चीज़ का इम्पेक्ट ज़्यादा होगा ट्रेनिंग न्यू एंड ट्रांसफर्ड इम्प्लाई दो चीज़ें हैं एक नए आने वाले एम्प्लाई को ट्रेन करना और एक एम्प्लॉई ऑलरेडी जॉब में है तो उसका डिपार्टमेंट ट्रांसफर हुआ जॉब रोटेशन हुई उसको ट्रेन करना उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ओरिएंटेशन नए आने वाले एम्प्लाई को हम ऑर्गेनाइजेश के एस रूल्स एंड रेगुलेशंस, विजन मिशन ऑब्जेक्टिव गोल स्ट्रेटजीज जॉब डिस्क्रिप्शन हम खुद बताते हैं इसको ओरिएंटेशन कहते हैं अगर इम्प्लाई ख़ुद से सीखे ये सारा काम हम ना करें इसे सोशलाइजेशन कहते हैं जॉब स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलोअप ये जितनी चीज़ें भी हैं ऑर्गेनाइजेशन में अगर बाकायदगी से इनकी प्रैक्टिस की जा रही है तो ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट बेटर होंगे अगर इन सब चीजों की प्रैक्टिस नहीं की जा रही तो ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट बेटर नहीं होंगे जॉब सेफ्टी एनालिसिस एस आर ट्रेनिंग टेक्निक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉब सेफ्टी एनालिसिस एनालिसिस का मतलब ही ये होता है किसी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें फिर वन बाय वन उन सब को स्टडी करें इसे एनालिसिस कहते हैं जॉब सेफ्टी का एनालिसिस करना कि जो भी ट्रेनिंग हमने दी जो भी मेड्यूल प्रिपेयर किए जो भी प्रेजेंटेशन के मेथड यूज़ किए जो भी एम्प्लॉय को ट्रेन किया अब उसके बाद उसको एनालाइज किया जाए क्या हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए हैं अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए हैं तो ये ट्रेनिंग बाकायदगी से एम्प्लॉयज के साथ एज अ रिफ्रेशर कोर्स कंटिन्यू रहनी चाहिए जॉब सेफ्टी एनालिसिस ये है क्या ये एक प्रोसेस है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स लेते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सकें लिस्ट प्रपेयर कर सकें और ईच स्टेप का मतलब ये है कि आर्गनाइजेशन में जो पोटेंशियल हैजर्ड्स हैं उनको कवर किया जा सके और उनको अकम्पलिश किया जा सके आर्गनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए इसको हम लोग जॉब सेफ्टी एनालिसिस कहते हैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस एज अ ट्रेनिंग टेक्निक स्टूडेंट्स जिसका यहाँ पे ये स्पेसिमन है ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ होता है ब्रेक डाउन द दॉब इंटू स्टेप्स